अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं वेंचर टेक। तो हमने अपने चैनल पे सैमसंग गैलेक्सी A03s से रिलेटेड 4 to 5 डिफरेंट वीडियोस अपलोड की हैं, जिसमें इसके गेमिंग टेस्ट हैं, सार बैटरी की परफॉर्मेंस है, अनबॉक्सिंग है। आप चाहें तो वो वीडियोज़ चेकआउट कर सकते हैं। अब मूव ऑन करते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो हमारे पास बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली वीडियो होने वाली है। वीडियो थोड़ी सी लेंथ में ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, लेकिन आई विल से कि ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगी अपने फ़ोन के जो यूज़र एक्सपीरियंस है इसको बेहतर बनाने में। तो आज मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी A03s की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आप यूज़ करके अपने फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है इसके साथ साथ जो अपना यूज़र इंटरफेस है उसको भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिस इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा उसमें आपको है लाइटिंग स्टाइल का है। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस के अंदर जाना होगा। नोटिफिकेशंस के अंदर आपको ब्रीफ पॉपअप सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं आपके पास एज लाइटिंग स्टाइल का ऊपर ऑप्शन है। यहाँ से आप अपने इनकमिंग मैसेजेस वगैरह नोटिफिकेशन के लिए एज लाइटिंग स्टाइल को सिलेक्ट आउट कर सकते हैं, या आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। काफ़ी इंप्रेसिव आपको आने वाली जो आपकी नोटिफिकेशन है यहाँ से वो शो करेगा। आपके पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। यहाँ से कलर भी सिलेक्ट आउट कर सकते हैं, फैट भी सिलेक्ट आउट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट फीचर के बारे में बताते हैं। यहाँ से अपना जब आप डायलर ओपन करते हैं तो डायलर के अंदर आपको कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट करें अगर आपने कोई नंबर वगैरह ब्लॉक करना है तो यहाँ पे ऊपर आपको 3 बटन्स वर्टिकल्स में देखेंगे। यहाँ पे जाके आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आप चेकआउट करेंगे तो सबसे ऊपर आपको ब्लॉक नंबर्स का ऑप्शन नजर आएगा। इसके साथ नीचे ही इसके कॉल बैकग्राउंड का भी ऑप्शन अवेलेबल है, यानी जो आपके पास इनकमिंग कॉल्स हैं अगर आपने उनका बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड चेंज करने के लिए भी कुछ अवेलेबिलिटीज हैं। ये भी आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट आउट कर सकते हैं। इसके बाद बात करें जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको इस डिवाइस में देखने को मिलती है वो है फ्लोटिंग विंडोज की। रिसेंट ऐप गैलरी में जाएंगे, यहाँ से अपनी रिसेंट ऐप कोई भी ओपन करें, यहाँ से ओपन इन पॉप का व्यू जब करेंगे तो आपके पास ये फ्लोटिंग विंडो में अपीयर हो जाएगी। इसको आप ट्रांसपेरेंट वगैरह भी बना सकते हैं। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं कि मैं इसको यहाँ से ट्रांसपेरेंट भी कर सकता हूँ। साथ अगर आपने इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है तो आप ये राइट साइज से इसका साइज भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। क्लोज करनी हो तो जब ऐप क्लोज करेंगे तो आपकी जो रिसेंट फ्लोटिंग विंडो है वो भी क्लोज हो जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर की, जिस जो है हमारे पास हाइड एप्लीकेशन। इसके लिए आपको क्या करना है, इजीली होम स्क्रीन पे जब आप लॉन्ग टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन नजर आएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं आपको हाइड ऐप्स अवेलेबल हैं। यहाँ से आपने जो भी अपनी एप्लीकेशन हाइड करनी है वो इजीली हाइड कर सकेंगे। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है होती, तो जब आपने अनहाइड करनी हो तो आप इसी तरह जिस तरह हाइड ऐप्स ओपन करते हैं इसी ऑप्शंस में वापस आके अपनी तमाम ऐप्स को अनहाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, मैं आपको लिए चलता हूँ इसके नोटिफिकेशन पैनल में। नोटिफिकेशन पैनल में आपको इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास इसका डार्क मोड। तो One UI 3.1 में काफ़ी अच्छा इसका डार्क मोड सैमसंग गैलेक्सी A03s में वर्क करता है और काफ़ी अच्छी लुक आपको प्रोवाइड करता है, और जो बैटरी की कंजम्पशन की रेशो है उसको भी काफ़ी ज़्यादा कम करता है एज़ कम्पेयर जो आपके पास नॉर्मल मोड होता है उससे। तो डार्क मोड के बाद मैं आपको ब्राइटनेस कंट्रोल के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ से ही नोटिफिकेशन पैनल में आप चेकआउट करें। जब हम अपना एक बार नोटिफिकेशन पैनल नीचे स्लाइड करते हैं तो आपको यहाँ पर ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, लेकिन अब जब अगेन स्लाइड करते हैं तो आपको आपका ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्राइटनेस कंट्रोल आपको ऊपर शो हो तो आप यहां से 3 बटन्स पे क्लिक करें। इसके साथ आपने जाना है क्विक पैनल लेआउट में और यहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं शो ब्राइटनेस अबव कंट्रोल अबव नोटिफिकेशन, इसको एनेबल करें। तो जब आप अपना नोटिफिकेशन पैनल नीचे स्लाइड करेंगे तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं, जो आपकी ब्राइटनेस की विंडो है ये आपको ऊपर ही शो होगी। इसके बाद मैं आपको लिए चलता हूँ एक इंपॉर्टेंट और यहाँ से इसके फीचर में। जब आप स्लाइड करते हैं अपना यहाँ से नोटिफिकेशन तो यहाँ पे आपने 3 बटन पे दोबारा टैप करके जाना है स्टेटस बार में। स्टेटस बार में जाएंगे तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगी, जो कि हमारे पास नोटिफिकेशन हिस्ट्री। नोटिफिकेशन हिस्ट्री क्या करती है, अगर आप कोई इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप की, फेसबुक की, इंस्टाग्राम वगैरह की नोटिफिकेशन है
वो स्लाइड आउट हो गई है, यानी आप वो चाहते हैं तो आप वो दोबारा शो हो, यहाँ पे आपके उन तमाम 24 आवर्स की आपको नोटिफिकेशन की हिस्ट्री मिलेगी। जब आप इसको ऑन करेंगे तो तमाम जो आपकी हिस्ट्री है 24 आवर की, अगर कोई भी आपका नोटिफिकेशन है जो मिस हो गया है, वो आप यहाँ पे इजीली आके चेकआउट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये आपको डिसेबल मिलता है, आप इसको खुद से ऑन आउट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन बताता हूँ, यहाँ पे ही हमारे पास नीचे आप चेकआउट कर सकते हैं फ्लोटिंग नोटिफिकेशंस का। ये जैसा ही है जैसा हमारे पास फ्लोटिंग विंडोज है, लेकिन ये आपको जो एप्स होती हैं वो फ्लोटिंग नोटिफिकेशंस के शो में शो होती हैं। ये आप चेकआउट कर सकते हैं, आपके पास जो आपकी ऐप है वो आपको फ्लोटिंग नोटिफिकेशन में शो होगी। यहाँ पे वो तमाम ऐप्स आप इंक्लूड कर सकते हैं जो आप अपनी फ्लोटिंग नोटिफिकेशंस में रखना चाहते हैं। इसके बाद आपको एक और इसका इंपॉर्टेंट ऑप्शन बताते हैं, जो कि हमारे पास Dolby Atmos के नाम से आता है। Dolby Atmos को आप लोग सबसे पहले तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि हमारे पास वैसे तो ये नोटिफिकेशन पैनल में प्रोवाइडेड होता है, आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, लेकिन ये आपको बता रहा है कि दिस इफेक्ट ओनली वर्क्स विद हेडफोन्स एंड ब्लूटूथ। तो ये जब आप ब्लूटूथ के साथ अपनी कोई भी डिवाइस वगैरह कनेक्ट करेंगे तो उस टाइम काफ़ी अच्छा ये आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। अब आपको देख जाते हैं सेपरेट ऐप साउंड में, ये एक काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि आप यूज़ करके अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं, यानी आप किसी ऐसी ऐप के लिए एक अलहदा साउंड रख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, साउंड में जाना है, उसके बाद आपने जाना है वाइब्रेशन में। साउंड एंड वाइब्रेशन में आप जब सबसे नीचे जाएंगे तो आपको सेपरेट ऐप साउंड का पता चलेगा। सेपरेट ऐप साउंड में आपको यहाँ से आपने टर्न ऑन नाउ करना है और आप वो तमाम ऐप जो आप जिसके लिए आप एक अलहदा साउंड रखना चाहते हैं आप वो यहाँ से सेलेक्ट आउट कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको एक और नेक्स्ट ऑप्शन बताते हैं, आपको दोबारा लिए चलते हैं इसमें नोटिफिकेशन पैनल में। इसके अंदर आपको एक और अच्छा ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि आपको आई कंफर्ट शीट के नाम से देखने को मिलता है। ये आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आई कंफर्ट शीट जो है आपकी आईज को नाइट के टाइम काफ़ी हार्मफुल रे से बचाती है और जो आपकी आईज है वो रेडिएशन से काफ़ी हद तक महफूज रहती हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट वे की बात करते हैं, आप जैसा कि चेकआउट कर सकते हैं, मैंने बाकी भी काफ़ी बार ये डिवाइसेस के बारे में बताया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये 3-बटन नेविगेशन रिमूव हो जाए और इसकी जगह गेस्चर नेविगेशन आए तो आपने क्या करना है, उसके लिए आपने जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाके आपने जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे इसका ऑप्शन मिलेगा नेविगेशन बार का। नेविगेशन बार पे क्लिक करेंगे तो आपके पास गेस्चर नेविगेशन का ऑप्शन आ जाएगा जो कि आप अपनी डिवाइसेस पे मोस्टली यूज करते हैं। आप यहाँ से बटन्स भी सिलेक्ट आउट कर सकते हैं 3 बटन, और इसके साथ साथ आप यहाँ पे स्वाइप गेस्चर भी सिलेक्ट आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस पे बटन ही सिलेक्ट आउट रखते हैं। तो चलिए अब बाकी अपनी जो कुछ फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस आउट कर लेते हैं। अब इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन बताना चाहूँ वो यहाँ पे ही डिस्प्ले के अंदर आपको फॉन्ट साइज का मिलता है। यहाँ से आप फॉन्ट साइज भी अपना बदल सकते हैं, यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जो इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो इसी को यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं। इसी के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक और स्क्रीन जूम का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। स्क्रीन जूम भी आप सेलेक्ट आउट कर सकते हैं कि आपने कितने हद तक अपनी जो स्क्रीन है वो जूम आउट करनी है और कितने हद तक आपको इजीली जो है वो आपके नोटिफिकेशंस और आपके मैसेजेस के साथ में ज़्यादा इजीली शो होते हैं। इसके बाद हम बात करें तो अब मैं आपको दोबारा इसको ओरिजिनल इसके साइज़ पे ले जाता हूँ। ओरिजिनल साइज़ पे लेके जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास अब दोबारा अपने ओरिजिनल साइज़ में चला गया है। अब अपनी नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर है उसमें मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास चूज अगर आपने थीम्स एंड वॉलपेपर यूज़ करने हैं तो आप सेटिंग्स के अंदर जाके यहाँ से थीम्स का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं और यहाँ से गैलेक्सी थीम्स में आप काफ़ी ज़्यादा थीम्स भी अपनी डिवाइस के लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट वे। तो अब एक ऐसा अच्छा इंपॉर्टेंट मैं आपको फीचर बताने वाला हूँ जो आपके आपको सैमसंग गैलेक्सी A03s में देखने को मिलता है, लेकिन ये खास तौर पे आपको One UI 3.1 पे देखने को मिलेगा। इसके लिए आपने सेटिंग्स में जाना है, लॉक स्क्रीन में जाना है। लॉक स्क्रीन के अंदर जब आप इंटर होते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है सिक्योर लॉक सेटिंग्स का। तो सिक्योर लॉक सेटिंग्स में जाके अपना आपने लॉक इंटर करना है और सबसे नीचे आपको शो लॉक डाउन ऑप्शन का एक फीचर शो होगा। इसको जब आप इनेबल करेंगे अपनी डिवाइस को आप ऑफ करने के लिए करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका लॉक डाउन मोड ऑन हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको तब भी अवेलेबल होता है जब आप सेटिंग्स में जाके अपना लॉक डाउन मोड ऑन करना है। ये बेसिकली यूज होता है जब आप रात को सो रहे हो तो आप चाहते हैं कि आपका फोन पूरी तरह से सिक्योर रहे और जो आपका कोई भी बंदा आपका फेस से या आपकी फिंगरप्रिंट से आपकी डिवाइस अनलॉक ना कर सके। तो ये आप जब मोड ऑन करेंगे तो आपका जो स्क्रीन पे पासवर्ड शो होता है या
आपका लेआउट शो होता है पासवर्ड का, सिर्फ उसके थ्रू आपकी डिवाइस ऑन होगी। आपकी जो फिंगरप्रिंट है इसके साथ साथ फेस अनलॉक वो खत्म हो जाएगा और आपकी डिवाइस काफी हद तक सिक्योर हो जाएगी। एक बार जब आप इसको उठते साथ अपनी डिवाइस को दोबारा ऑन कर लेंगे तो ये लॉकडाउन मोड ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको लिए चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग में, जो कि हमारे पास मोशन एंड जेस्चर्स के नाम से आती है। तो मोशन एंड जेस्चर्स में जाने के लिए आपको यहाँ पे नीचे एडवांस फीचर्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप जाएंगे। इसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिस तरह डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, टर्न ओवर टू म्यूट, यानी जब भी आपकी कोई कॉल वगैरह आ गई, किसी भी अपनी जो डिवाइस है उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे रखेंगे तो जो आपकी कॉल है वो म्यूट पे लग जाएगी। फिंगर सेंसर जेस्चर्स का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है, यानी ओपन एंड क्लोज द नोटिफिकेशन पैनल यूजिंग अ फिंगरप्रिंट सेंसर। तो जब आप इसको ऑन करते हैं तो ये जो ऊपर आपके पास नोटिफिकेशन पैनल है इसको आप यूज़ करके अपनी जो नोटिफिकेशन पैनल है फिंगरप्रिंट से वो इजीली ओपन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एंड इंपॉर्टेंट फीचर है और आपकी यूज़र एक्सपीरियंस को काफ़ी बेहतर बनाएगा। इसके बाद दोबारा आपको उसी सेटिंग्स में लिए चलते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। आपको यहाँ पर नीचे एक और ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि हमारे पास वन हैंडेड मोड पे आता है। वन हैंडेड मोड भी एक काफी अच्छा एंड इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे फीचर देखने को मिलता है। जब आप इसको इनेबल करते हैं तो ये आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी दे रहा है, आप इसका बटन भी सिलेक्ट आउट कर सकते हैं, यानी अगर आप दो बार अपने होम बटन को सिलेक्ट आउट करेंगे तो जो आपकी स्क्रीन है वो वन हैंडेड मोड पे ऑपरेट होना शुरू हो जाएगी। इसको टैप आउट करने के लिए बाकी रिमेन पे जब आप टैप करेंगे तो आपका इजीली ये जो वन हैंडेड मोड है ये आपकी डिवाइस से हट जाएगा। अब आपको यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन शो हो रहा होगा डुअल मैसेंजर का, यानी ये वो मैसेंजर है, ये आपका फेसबुक के लिए भी यूज हो सकता है, इंस्टाग्राम वगैरह के लिए भी यूज हो सकता है। यानी आपके लिए अगर दो अकाउंट हैं तो दो मैसेंजर ऐप्स आपके दो अकाउंट से इसी के थ्रू चलेंगे, आप इजीली इनको वहां से रन आउट कर सकते हैं। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, लिए चलता हूं आपको दोबारा नोटिफिकेशन पैनल में। नोटिफिकेशन पैनल में आपको यहां पे देख सकते हैं आपके पास फ्लाइट मोड भी अवेलेबल है, नियर बाय शेयर भी अवेलेबल है, मोबाइल हॉटस्पॉट भी अवेलेबल है, इसके साथ साथ पावर सेविंग मोड, आई कंफर्ट शीट, डो नॉट डिस्टर्ब, स्कैन क्यूआर कोड, डॉल्बी एटमॉस भी अवेलेबल है। अगर रिमेनिंग बात करें तो आपके पास यहाँ पे सिंक ऑप्शन मौजूद है, बेड टाइम मोड मौजूद है और फोकस मोड अवेलेबल है। इसमें आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, वो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी। लेकिन ये कुछ ऐसी फीचर्स हैं और कुछ ऐसे आपको मैंने वेज बताए हैं जो कि आप यूज करके अपने सैमसंग गैलेक्सी A03s की परफॉर्मेंस काफी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं और आपकी जो यूजर इंटरफेस है उसमें भी काफी बेहतरी आएगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इस डिवाइस से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं आपको वो भी जरूर प्रोवाइड करूंगा। इंशाल्लाह हम इसका A02s के साथ भी एक कंपैरिजन लेके आएंगे अपने चैनल पे, जिसमें हम देखेंगे कि पॉसिबल ऐसी कोई अपग्रेड है जो हमें नजर आती है फिंगरप्रिंट के अलावा, क्या परफॉर्मेंस में कोई फर्क है वो भी चेकआउट कर लेंगे और बाकी थोड़ा सा कैमरा को भी ओवरऑल एक लुक दे देंगे कि ओवरऑल हमारे पास कैमरा की परफॉर्मेंस कैसी है। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।